दोस्तों, मैं हूं सरफराज। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको इस गाड़ी का फीचर बताने जा रहा हूं। इस गाड़ी का नाम है डस्टर। इस गाड़ी का नाम है डस्टर, फोर व्हील है। इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर हैं। ये हमारा शीशे का होता है ऑन ऑफ। ये देखिए, शीशा उतर जाएगा और इसी से चढ़ जाएगा। और मैं आपको ख़ास बात बताता हूँ, ये हमारा एसी, ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एसी का है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फोर व्हील। ये दो चक्के पे चल रही है, आप इसको फोर पे कर देंगे। तो चलिए मैं ऑटो पे करता हूँ। ऑटो पे कर दिया है, ये फोर हो जाएगा। ऑटो पे मैंने कर दिए, फोर हो जाएगा। काफ़ी रफ्तार से आपकी गाड़ी चलेगी। गाड़ी फोर पे कर देंगे तो काफ़ी रफ्तार से भागेगी। ऐसे क्या होता है, ये टू पे रहता है तो दो चारों चक्का जो होते हैं वो कम यूज़ होता है। ये डीजल आपका जो होता है वो कम खाएगी। इसको फोर पे कर देंगे, काफ़ी रफ्तार से आपकी गाड़ी चलेगी और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। आप ऐसे स्लो चलाते हैं, आपको समझ में नहीं आता मेरी गाड़ी भाग नहीं रही, तो आप इसको फोर पे कर दीजिए, काफ़ी रफ्तार से आपकी गाड़ी चलेगी। चलिए मैं इसका मीटर दिखाता हूँ आपको, इसकी कितनी रफ्तार है। तो आप जैसे यहाँ पे देख ही रहे होंगे, इसकी रफ्तार है 210। ये टोटल भागेगी आपकी 190 तक, पूरी जाएगी पूरी रफ्तार इसकी। विंडो का ये चारों बटन है, विंडो का ऑन ऑफ होता है, शीशा इससे उतरता है। और ये वाला आप बटन देख रहे हैं, इससे चारों शीशा लॉक हो जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे, लॉक हो जाएगा। ऑन करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। तो इससे शीशा चारों अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो इसको दबा दीजिए, इसे लॉक हो जाएगा। ये जो है वाइपर का सिस्टम जो है, लेफ्ट साइड राइट होता है तो ये लेफ्ट में, तो ये उल्टा दिया हुआ है। ये वाइपर का राइट होता है तो इसमें लेफ्ट दिया हुआ है। तो इसको ओपन करेंगे, वाइपर चालू हो जाएगा। मीटर वाला जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाइपर का है और वो राइट साइड इंडिकेटर का है। तो चलिए मैं खास बात आपको बताता हूँ इसका गियर। चलिए मैं इस गाड़ी का आपको गियर बताता हूँ। 1 2 3 4 6 5 5 6 6। अब ये सेवन गियर, मैं बैक गियर आपको बताता हूँ कैसे लगेगा। तो मैं बताता हूँ बैक गियर कैसे लगेगा। तो यहाँ पे स्विच आपने देखा ऊपर उठी है, लेफ्ट साइड में लेना है हमें, बैक गियर लग जाएगा। वापस से हमें बीच में ला देना है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका बैक गियर लगेगा, बिना इसको दबाए बैक गियर नहीं लगता। तो आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो आपको मालूम नहीं होती, तो आप बैक गियर लगाते हैं तो नहीं लगता। तो इसको आप जैसे ही उठाएंगे ऊपर को और लेफ्ट में लेंगे, बैक गियर आपका लग जाएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।